Hello guys, welcome to Your Engineer and welcome to this new lecture where we will discuss isentropic flow equation. Okay, so to discuss isentropic flow equation, let's study basic of thermodynamics first. So in basic of thermodynamics, there are two laws of thermodynamics. First is first law of thermodynamics, then second law of thermodynamics. Also, there is third law of thermodynamics, but we don't use that third law of thermodynamics in aerodynamics. तो देखो, first law of thermodynamics क्या होता है? कि अगर कोई system है, system मतलब जिस पर हम work कर रहे हैं, ठीक है? System मतलब जिस पर हम thermodynamic properties को check कर रहे हैं, और surroundings मतलब उसके अलावा, system के अलावा जो भी होता है, वो surrounding होता है। तो अगर system में की internal energy को change करना है, ठीक है? To change internal energy of system हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज हम कर सकते हैं, हीट इज एडेड और टेकन अवे। या तो हम हीट ऐड कर सकते हैं या तो उसमें से हीट निकाल सकते हैं, ठीक है? दैट मींस चेंज इन हीट इज। सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि वर्क उस सिस्टम पर कर सकते हैं या तो उस सिस्टम से करवा सकते हैं, वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ठीक है? तो अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो देखो, डी अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, तो अगर मैं चेंज इन हीट करूं और चेंज इन वर्क करूं, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है, ये दो इक्वेशंस होती हैं आपकी। अच्छा, अब इसमें दो दो तीन चीजें और होती हैं, ठीक है? सेकंड लॉ अभी हम देखेंगे बाद में, जब आइसेंट्रोपी स्टार्ट करेंगे क्या होता है आइसेंट्रोपी का मतलब। तो अभी देखो क्या है कि दो इक्वेशंस में कैसे बनेंगी। पहली बात तो ये कि देखो, वर्क जो होती है, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा वेक्टोरियल फॉर्म में देखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां पर तो हमें क्या फोर्स है, क्या डिस्टेंस, नहीं आइडिया। तो अगर देखो, एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, उस सेक्शन में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया पे, विंग में भी क्या होता है, विंग है, विंग पे, विंग जब एयर में रहती है, एयरक्राफ्ट एयर में रहता है, तो विंग पे क्या रहता है, हर जगह प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है? तो जो विंग को टच करके निकल जाता है वो क्या होता है, शेयर प्रेशर या शेयर फोर्सेस, और जो नॉर्मल लगता है वो प्रेशर रहता है। तो प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सर्फेस, ये बात याद रखिएगा, प्रेशर ऑलवेज एट्स नॉर्मल टू सर्फेस। तो सपोज इस पर्टिकुलर डी ए सेक्शन में मैंने एक एक पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट लग रहा है। अच्छा, पास्कल्स लॉ से हम ये जानते हैं कि सेम प्रेशर एवरीवेयर लगता है, ठीक है? अच्छा, अब एक बात और समझो आप कि इस डी ए को लगने की वजह से ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ठीक है? तो अगर मैं कहूं कि यहां पर ये वॉल्यूम निकालने की कोशिश करें, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इसी तरह के सारे एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो देयर विल बी एस डी ए, ओके, एरियल इंटीग्रल होगा। एस क्या चीज है, अगर मान लो मैं इसको डी ए सेक्शन जो होगा वो थोड़ा अंदर जा रहा होगा, डी ए सेक्शन क्या होगा, थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो ये जो डिस्टेंस कितना अंदर जाने की कोशिश करेगा वो होगा एस, ठीक है? तो ये होगा डीवी, और डीवी भी नहीं होगा, ये होगा माइनस डीवी। माइनस डीवी मीन्स इट्स कंप्रेसिंग द वॉल्यूम। तो अगर मैं टोटल वर्क लिखता तो वर्क विल बी फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है यहां पर, पी इंटू डी ए, दैट मीन्स प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस एस। सो दिस इज डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू, सो इफ यू वॉन्ट टू इंटीग्रेट डेल डब्ल्यू, ठीक है, तो जो डेल डब्ल्यू आएगा वो क्या आएगा, आपका आएगा पी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एस डी ए, विच विल बी माइनस पी डी वी। तो यहां से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, डी इक्वल टू डेल क्यू माइनस पी डी वी। तो एक इक्वेशन आएगी डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। याद रखिए, पहली इक्वेशन हमारी, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, मतलब थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो ये पहला फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। एक और फॉर्म होता है विच इज कॉल्ड इंथैल्पी, ठीक है, एक नया टर्म ऐड करते हैं हम, इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या चीज होती है, इंथैल्पी इज एच इक्वल टू ई प्लस पी वी, ठीक है? अगर इंटरनल एनर्जी में एक वर्क एनर्जी यानी पी वी एनर्जी ऐड की जाए तो इंथैल्पी आती है, ठीक है? अगर मैं इसे चेंज करूं डेल एच या डी एच, चेंज इन इंथैल्पी निकालना मान लो, तो डी एच विल बी इक्वल टू डेल ई प्लस डी ऑफ पी वी। तो यहां क्या आएगा, डी एच इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ये चीज आएगी, ठीक है? दो बातें हैं यहां पर, पी डी वी और वी डी पी। अच्छा, डी प्लस पी डी वी की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू लिख सकते हैं, देखो, तो डेल क्यू प्लस वी डी पी। तो डी एच विल बी इक्वल टू डेल क्यू प्लस वी डी पी, विच इज सेकेंड इक्वेशन। ये बात याद है आपको, ठीक है, क्लियर है ये बात?
तो यहां से हम सारी चीजें नोट कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड इक्वेशन। तो हमें मतलब है इससे इससे। अब देखो इसमें छोटी सी चीज क्या करते हैं हम, वी यूज स्पेसिफिक हीट कॉन्सेप्ट, जिसका हमें यूज करना है एक्चुअली कहां पर, आइसेंट्रॉपिक फ्लो इक्वेशन डिराइव करते वक्त, ठीक है, वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमें ये चीज पढ़नी पड़ रही है। तो अगर देखो आप, अब हम देखते हैं आइसेंट्रॉपिक फ्लो इक्वेशन क्या चीज होती है, ठीक है। पहले स्पेसिफिक हीट में दो तरीके से आप हीट ऐड कर सकते हो, ठीक है, व्हेन यू आर एडिंग द हीट और व्हेन यू आर टेकिंग अवे द हीट, यू कैन डू दैट बाय टू सिस्टम्स। फर्स्ट इज डूइंग इट इन कांस्टेंट प्रेशर एंड सेकंड इज डूइंग दैट इन कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप करोगे तो देखो कांस्टेंट प्रेशर पे यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर अगर कांस्टेंट प्रेशर पे यूज करोगे तो डीपी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। बात समझ रहे आप लोग, डीपी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक कांस्टेंट प्रेशर है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं सीपी। सीपी इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे तो वो होता है सीवी। तो सीवी इज कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर मैं सीपी और सीवी की वैल्यू निकालू आइसेंट्रोपिक फ्लो इक्वेशन के लिए, तो आइसेंट्रोपिक फ्लो इक्वेशन देखो क्या चीज होती है। हम कई तरह के प्रोसेसेस पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जैसे मान लो प्रोसेस हुआ आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, और क्या क्या होता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस। आइसोबेरिक में क्या होता है, ओवरऑल प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, ओवरऑल प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इन आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इन एडियाबैटिक डेल्टा क्यू इज जीरो, दैट मीन्स हीट फ्लो इज कॉन्स्टेंट। इन रिवर्सिबल प्रोसेस वॉट हैपन्स, तो रिवर्सिबल प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी है। रिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है कि दैट इफ यू आर चेंजिंग द प्रॉपर्टी इनफाइनाइट सिमली स्लो, इफ यू आर चेंजिंग द प्रॉपर्टी इनफाइनाइट सिमली स्लो, बहुत आप स्लो स्लो कोई प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो, सो दैट एट एनी पॉइंट यू कैन रिटर्न टू द ओरिजिनल। ऐसा कि आप किसी भी पॉइंट पे ओरिजिनल प्रॉपर्टी पे रिटर्न कर जाओ, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक फ्लो क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती होती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऐसा होता है जो रिवर्सिबल भी हो और एडियाबैटिक भी हो। तो रिवर्सिबल और एडियाबैटिक दोनों होगा, रिवर्सिबल भी हो और एडियाबैटिक भी हो, ऐसा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होगा, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल होने की वजह से क्या हो गया, वो हो जाएगा कि डेल्टा एस जीरो होगा, रिवर्सिबल और एडियाबैटिक दोनों का। डेल्टा एस क्या चीज होती है, एंट्रोपी होती है। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई टी इन रिवर्सिबल, ठीक है। अब रिवर्सिबल तो पहले से ही है, अगर उसमें मैं एडियाबैटिक भी ऐड कर दूंगा तो डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से डेल्टा एस जीरो हो जाएगा। अब डेल्टा एस जीरो, दैट मींस एंट्रोपी इज सेम एवरीवेयर, एंट्रोपी सेम है, दैट मींस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब एंट्रोपी इज सेम एवरीवेयर, चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, ओके, कोई रैंडमनेस नहीं हो रही है। अच्छा, अब क्या है देखो, अब हमें यहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर आइसेंट्रोपिक फ्लो है उसके लिए हमें सीपी और सीवी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकालते हैं सीपी सीवी की वैल्यू कैसे होगी। अब जैसे मान लो कि हम जो इक्वेशन पढ़ते हैं एक, वेयर कैन आई मूव इट, मैं यहां डिलीट करता हूं, आइडियल गैस इक्वेशन है, परफेक्ट गैस अगर है, एयर को मान लो मैं परफेक्ट गैस मानता हूं, तो इक्वेशन विल बी पी इक्वल टू रो आर टी, कह लो पी वी इक्वल टू आर टी फॉर वन मोल, ठीक है। अगर मैं वन मोल पर मोल लेता हूं तो क्या होगा, पी वी इक्वल टू आर टी होगा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं चेंज करूं चीजों को, ठीक है, तो आप देखो कैसे चीजें चेंज होती हैं। वो जो चीजें हैं सीपी और सीवी में, ठीक है, तो अगर हमें सीपी और सीवी निकालनी है तो देखो सीपी और सीवी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इस बात को याद रखो कि सी क्या चीज होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल क्यू अपॉन डी टी, ओके, दैट मीन्स चेंज इन हीट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दैट इज स्पेसिफिक हीट, ठीक है, कि हीट जो चेंज हो रही है वो पर टेम्परेचर कितना हो रही है। अब यही चीज अगर आपको कॉन्स्टेंट प्रेशर में होने लगे तो वो सीपी होगी, तो डेल्टा क्यू जो होता है वो सीपी डी टी भी होता है, और डेल्टा क्यू जो होता है वो आपका सीवी डी टी भी होता है, ठीक है, सीपी और सीवी। बस ये बात है कि ये जो डेल्टा क्यू यहाँ सीपी डी टी हो रहा है, ये हीट चेंज जो हो रहा है वो कांस्टेंट
प्रेशर पे हो रहा है, और ये जो सीवी डी टी हो रहा है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ठीक है, तो यहां जो फॉर्मूला का देखो क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर टू में, फॉर्मूला नंबर टू में अगर आप डेल्टा क्यू को देखोगे तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सीवी डी टी आएगी। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात करूं तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अगर यहां पर होगा तो देखो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू देखो यहां से कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो पीडीवी विल बी जीरो, तो डेल क्यू विल बी इक्वल टू डीई, तो डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीवी डीटी। इस बात को एकदम याद रख लो आप लोग, ये फॉर्मूला में आगे यूज करना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू सीवी डीटी। इन सेम वे अगर मैं यहां पर पुट करूं तो देखो यहां पर कॉन्स्टेंट प्रेशर की वजह से ये जीरो हो जाएगा, सो यहां क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री वहां से क्या आएगा, वीडीपी जीरो होगा तो डीएच इक्वल टू डेल क्यू यानी सीपी डीटी। तो वहां जो चीज आएगी वो आएगी डीएच इक्वल टू सीपी डीटी। ठीक है ना, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि ये दो फॉर्मूले हमें मिले। ठीक है ना, ये बात। अब हम यूज करेंगे आइसेंट्रोपिक फ्लो, जिसमें हमें चीजें देखनी है कि कैसे क्या चीज होती है। हमें याद क्या रखना था, हमें याद रखना था कि डीएच इक्वल टू सीपी डीटी होता है, डी इक्वल टू सीवी डीटी होता है। ठीक है, तो चलो आइसेंट्रोपिक इक्वेशन देखते हैं। सो अभी हम देख रहे हैं जो इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री हमने लिखी थी, उसमें एक थी आपकी डेल क्यू इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी आपकी डीएच इक्वल टू डेल क्यू प्लस वीडीपी, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेल क्यू इक्वल टू डीएच माइनस वीडीपी। ठीक है, अच्छा ये बात हमने पहले लिख लिखी थी कि जो हमारा डी होता है डेल क्यू की वैल्यू क्या आएगी, जब डी के केस में क्या थी डेल क्यू, अगर हमें डेल क्यू जीरो करना है तो डी होगा सीवी टीटी प्लस पीडीवी। ठीक है, और आपका यहां पर आएगा जीरो इक्वल टू सीपी डीटी माइनस वीडीपी। ठीक है, तो यहां से आएगा कि आपका सीपी डी सॉरी सीवी डीटी माइनस पीडीवी, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट सीपी डीटी इक्वल टू वीडीपी। फाइन, सो लेट्स डिवाइड दोज इक्वेशन, लेट इट इक्वेशन नंबर ए, लेट दिस इक्वेशन नंबर बी, सो लेट्स डू बाई बी बाई ए, सो बी बाई ए इज सीपी डीटी बाई सीवी डीटी इक्वल टू वीडीपी अपॉन माइनस पीडीवी। फाइन, सो दिस इज द केस, नाउ डीटी डीटी कैंसिल्ड एंड सीपी बाई सीवी इज डीपी बाई पी माइनस टाइम्स डीपी बाई पी इंटू वी बाई डी वी। नाउ वी नो अ फॉर्मूला दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर एंड सीपी बाई सीवी इज गामा, गॉट इट, सो फ्रॉम सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा, लेट्स पुट इट हियर, सो गामा इक्वल टू माइनस डीपी बाई पी इंटू वी बाई डी वी। सॉल्विंग इट अगेन, डीपी बाई पी इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स डीवी बाई V. So let's integrate it from P1 to P2 and V1 to V2. So V1 to V2 and P1 to P2. So after integration, what we will get? We will get, you know, from integration, it's a kind of differential equation where variable separable has been put on. So dP by P means log of P. So ln P P2 to P1. Sorry, P1 to P2 and then equal to minus gamma ln V V1 to V2. So solving it, it will get ln P2 by P1 equal to minus gamma ln V2 by V1. So let me put gamma here. So P2 by P1 will be equal to V2 by V1 to the power minus of gamma. So this is the first relation we are getting between pressure and volume. So this is the pressure and volume relation. Fine. Now we will just use this particular relation to find out the relation between density and temperature. Fine. So let's see. It's a very simple relation. Fine. So first, what is
वी नो पी इक्वल टू रो आर टी इन अवर एरोडायनेमिक्स एंड रिलेशन बिटवीन रो वन एंड वी वन इज दैट रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम विच मीन्स वी टू विल बी इक्वल टू वन अपॉन रो टू एंड वी वन विल बी इक्वल टू वन अपॉन रो वन. फाइन, सो लेट्स पुट इट हियर. पी टू बाई पी वन विल बी इक्वल टू रो वन अपॉन रो टू टू द पावर माइनस गामा. सो इट विल बी रो टू अपॉन रो वन टू द पावर गामा. वेन यू चेंज द टेक द रेसिप्रोकल इट विल बी माइनस वन. सो माइनस वन इंटू माइनस गामा गामा. ठीक है, अभी पी टू बाई पी वन और रो टू अपॉन रो वन की रिलेशन, तो ये आपका सेकेंड रिलेशन. फर्स्ट आइसेंट्रॉपिक रिलेशन इज दिस, सेकेंड आइसेंट्रॉपिक रिलेशन इज दिस, एंड थर्ड आइसेंट्रॉपिक रिलेशन. चलो इसको अगर मैं सही से लिख दूं यहां पर भी, तो ये हो जाएगा P2 अपॉन P1 इक्वल टू, अगर माइनस साइन हटाना है तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा. ठीक है, सिंपल माइनस हट गया. सो इसको आप पहला ले लो, दिस इज वन एंड देन दिस इज सेकंड. अच्छा, वन और टू हो गया हमारे पास. अब P इक्वल टू रो आर टी है, सो यू नो P1 इक्वल टू रो वन आर टी वन, P2 इक्वल टू रो टू आर टी टू. यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो रो टू बाई रो वन, सॉरी पी पी टू बाई पी वन की वैल्यू कितनी आएगी, पी टू बाई पी वन इक्वल टू रो टू टी टू अपॉन रो वन टी वन. ठीक है, यहां से अगर मैं पी टू बाई रो टू बाई रो वन की वैल्यू निकाल रहा हूं मेरे को, तो रो टू बाई रो वन विल बी इक्वल टू पी टू बाई पी वन इंटू टी वन बाई टी टू. ध्यान से देखो, टी वन बाई टी टू इधर चला जाएगा तो रो टू बाई रो वन का फॉर्मूला आ जाएगा. यहां रो टू बाई रो वन की जगह पुट करते हैं, पी टू बाई पी वन इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन इंटू टी वन अपॉन टी टू टू दी पावर गामा. ठीक है, इसको अब दो पार्ट में करेंगे, पी टू अपॉन पी वन इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन टू दी पावर गामा इंटू टी वन अपॉन टी टू टू दी पावर गामा. दो काम एक साथ कर रहा हूं. देखो पहला है पी टू अपॉन पी वन अपॉन पी टू अपॉन पी वन टू दी पावर गामा, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आया और इसको यहीं से टी टू बाई टी वन कर देता हूँ, तो इट विल बी टी टू बाई टी वन टू दी पावर माइनस गामा. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या दी जाएगी, ऊपर है वन नीचे गामा, तो वन माइनस गामा. सो इट विल बी पी टू बाई पी वन टू दी पावर वन माइनस गामा. ठीक है, अच्छा अगर मैं दोनों साइड इनवर्स ना लूं, दोनों साइड माइनस वन से पावर मल्टीप्लाई कर दूं, तो इट विल बी पी टू बाई पी वन टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू बाई टी वन टू द पावर गामा. ठीक है, अच्छा अब जैसे लॉग लेते हैं, ठीक है, वैसे ही लॉग लेकर या फिर आपको सिर्फ पावर पावर में चेंज करूं, तो जो रिलेशन आएगा वो आएगा पी टू अपॉन पी वन इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन. ठीक है, so this is your third relation. So pressure in terms of volume, pressure in terms of density and pressure in terms of temperature. अब इन तीनों को अगर मैं match कर दूं एक जगह, तो देखो that will be the final isentropic flow relation. ठीक है, so जो final isentropic relation आएगा वो क्या आएगा, that will be P2 upon P1 equal to V1 upon V2 to the power gamma, rho 2 upon rho 1 to the power gamma, and T2 upon T1 to the power gamma upon gamma minus 1. जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, वो हम सबसे ज्यादा टाइम यूज करते हैं, प्रेशर और गामा का रिलेशनशिप है. ठीक है, आज ही आपकी एक और वीडियो आएगी आपके YouTube पे, विच विल बी ऑन द बेसिक एटमोस्फियर, where we will see the relations, how relations work, how this isentropic relation works. Okay, so ठीक है, आप लोग isentropic equation check करिए and derive this, and we will also see numericals on this. Okay, so thank you very much, and also the course we are running on our website, which is Crackgate Aerospace Engineering in 100 days. So if you haven't joined, please watch the preview lectures, put it there, and you can join the course. Thank you very much.